ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो पांचवें चरण की वोटिंग आज हो रही है 49 सीटों पर और मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और सबसे कम मतदान हुआ है महाराष्ट्र में, जो कि अब चिंताजनक बन गया है। हालांकि अगर हम बात करें पार्टी की तो इंडी गठबंधन को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मनोज दास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार पीएम चेहरे को लेकर भी एक बात हो रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री चेहरा INDIE गठबंधन का नहीं है, तो ये बाद में कैसे तय होगा जब सीट शेयरिंग में आपने देखा था किस तरह का कलेश यहां पर हुआ था? मनोज जी आप शायद म्यूट है सर जी। हाँ हाँ आवाज आ रही, बोलिए सर। यही कारण है कि इनकी गठबंधन तेजी से बना, उसी तेजी से आज वो नहीं चला गया। हम कुछ नहीं करते हैं, ये भी हम नहीं रखा था सामने, वो निकल गए तो समाप्त हो गया। अब ये लोग लाख इधर से उधर बोल रहे हैं, ये कौन सा गठबंधन है कि दिल्ली में हम साथ रख रहे हैं, पंजाब में अलग कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए तो आने के समय में इनके दल को राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये भी लोग होगा। खैर आज पांचवें चरण की चुनाव संपन्न हो गई है, बोलने के लिए ईश्वर ने हमें मुंह दिया है जी। बहुत कुछ उपलब्ध करते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। भारत के संविधान में बोलने को दिया हुआ है, तो आगे आने की 4 जून को ही बताएंगे कि देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ बने हुए टीएमसी के प्रवक्ता है। संजय जी, आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है और एनडीए के साथ भी नहीं है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, इस बार क्या होने वाला है 4 जून को? ये किसने कहा है इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम लोग नहीं है? ममता बनर्जी ने कहा है सर, नहीं कि मेरा नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है कांग्रेस से। कहां मिलके चुनाव लड़ रहे हैं आप? फिर आप कांग्रेस को इंडिया गठबंधन क्यों समझती हैं? इंडिया गठबंधन अलग है, कांग्रेस अलग है। कांग्रेस एक पार्ट है, हम लोग भी एक पार्ट है। नहीं तो कांग्रेस हिस्सा नहीं INDIE गठबंधन का? नहीं नहीं, ये किसने कहा कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं है? अच्छा, कांग्रेस भी हिस्सा है, हम लोग भी हिस्सा है। और बाकायदा किस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ी, वो परसों मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ साफ कर दिया कि अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि उसके एक दिन पहले मैं आप ही के चैनल में मैंने अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बताया था, और वो चीज जो है दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही काम किया कि उन्होंने उनको एक चेतावनी दी है कि हाई कमांड हम लोग हैं, हम डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। रही बात अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके कि सबके अलग अलग कार्यक्रम हैं, सबके अलग अलग प्रोग्राम हैं और सब कैसे किस तरीके से बनेंगे। देखिए ये सब चिंता करने की वैसे आपकी जरूरत तो है नहीं। तो गठबंधन की सरकार 2004 से 2014 तक भी चली और उसके बाद जो है 2014 में एक जुमलों की बड़ी सर गठबंधन है कहाँ? टीएमसी के साथ कहाँ गठबंधन है? पश्चिम बंगाल में तो आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं कि कैसा गठबंधन है? इसी को लेकर तो मैंने सवाल पूछा भी था कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उन्होंने गोल गोल बातें घुमा दी। मैंने तो साफ बताया ना, ममता दीदी ने तो कहा हम बाहर से समर्थन करेंगे और आगे चलकर ही देखा जाएगा कि समर्थन बाहर से जरूरत है या पार्टी के अंदर रह कर जरूरत है। अभी तो जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो वो समझ में आ रहा है। पहले आप देखिए पहले विकास की बात हो रही थी, पहले चरण में विकास, पहले चरण के बाद मंगलसूत्र पे आए, फिर उसके बाद जो है भैंसों पे आ गए, फिर उसके बाद जो है अब मटन मछली इन सब चीजों पे आ गए। फिर बनारस से पहुंच चुके, उन्होंने कहा मैंने हिंदू मुसलमान किया नहीं, फिर कहने लगे कि मेरे घर पे तो ईद वाले दिन खाना बनता ही नहीं, आप अड़ोस पड़ोस सब मुस्लिम परिवार है वो खाना लेकर के आते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, मुस्लिम परिवार अगर खाना लेकर के आते हैं तो वो शाकाहारी लेकर के आते हैं या मांसाहारी लेकर के आते हैं? नहीं तो मुस्लिम शाकाहारी खाना भी खाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम शाकाहारी खाना खाते हैं। त्योहार के समय तो मुसलमानों के यहाँ त्योहारों के समय तो हम तो जानते हैं, हम तो बहुत जाते हैं वहाँ पे, हमेशा हम लोगों को मिलता है जो हम मतलब मांसाहारी खाना ही ज्यादातर खाते हैं।
तो अभी प्रधानमंत्री ने ये सर मीठी ईद भी होती है कोई चीज। चलिए शत्रुपा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपके पास लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शत्रुपा जी कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। ठीक है सर, ठीक है, एक बार फिर लौटेंगे। बोलिए शत्रुपा जी। कांग्रेस तो बेचारा, जो प्रदेश कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल का जो कांग्रेस है, उन लोगों के लिए मुझे दुख आता है, बड़े दुख होता है, क्योंकि उन लोगों को कोई अभी लोकल फैंडा ही नहीं है। और बाकी रहा तृणमूल का प्रवक्ता, वो लोग खुद इतने कंफ्यूज है, जैसे फेसबुक में ऑल ही अपडेट होता है, इन लोगों का स्टेटस बड़े अलायंस में है या नहीं है, वो भी शाम सुबह शाम दूसरा दूसरा अपडेट आता है। तो मैं समझ सकती हूँ संजय जी जब कहता है कि नहीं है, ये मुझे हैमलेट की तरह याद आता है, टू बी और नॉट टू, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो यहाँ भी ऐसा ही है, वो कब है, बाहर से है या अंदर से है, पास में है या दूर है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बैठ के और बना के वो बैठ गए। बहुत मुश्किल है दोनों के लिए, कांग्रेस के लिए, आ रही हूँ संजय जी, छोटा सा बस आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके प्रवक्ता के लिए। चलिए रख लीजिए संजय जी आपकी बात। हाँ जी छोटी सी बात रखिए, छोटी सी बात। मुझे लगता है असल बात क्या है कि बीजेपी के लोग भूल ही जाते हैं, अपना इतिहास भूल जाते हैं। भूल गया कि 89 के जब जनता दल की सरकार बनी थी तो बाहर से समर्थन आपने दिया था, भूल गए आप लोग। मतलब आप लोग जितनी गलती आप सुनने में नहीं आया, ठीक है संजय जी, लेकिन संजय जी ठीक है संजय जी, आप पूरे दमखम के साथ आए थे INDIA गठबंधन को बनाते हुए, सभी दल साथ थे, कांग्रेस भी साथ थी, नहीं कांग्रेस भी साथ थी, आज भी है कांग्रेस के साथ है, आज भी है जी, आगे भी रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को दीपक के उम्मीदवार के लिए ममता दीदी ने कहा था, इंडिया गठबंधन नाम ममता दीदी ने दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब कर्नाटक का चुनाव जब कांग्रेस जीती है तो ममता दीदी ने कहा था कि कांग्रेस आगे बढ़े, 200 सीटों पे वो मजबूत है, वो मजबूती से लड़े, हम उनका साथ देंगे। तो हमने कभी नहीं कहा। चलिए ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट है धीरज जी, आप कैसे आकलन करेंगे क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस वहां दुश्मन की तरह बिहेव करती है, फिर अगर हम दिल्ली पहुंचते हैं तो वो एकजुट हो जाते, क्या ड्रामा क्या चल रहा है, ये लोग कैसे समझे इन्हें। देखिए ये जो है अटर कंफ्यूजन, दैट इज अटर कंफ्यूजन, पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं ये लोग। ये लोग कोई भी एक तार्किक जो है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तक नहीं बना सकते। हम ये नहीं कहते कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा दीजिए मत दीजिए, कम से कम आपका एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तो होना चाहिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो तय करिए कि आप करेंगे क्या। आखिर 10 दिशाओं में आप 10 तरह से चल रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, पब्लिक पूरी तरह से कन्फ्यूज हो रहा है। जो आपको समर्थन भी करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस तरह से ये कुरवा कहां जाएगा बिखर करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, ये सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ऊपर लगा दिया, आप जानते हैं ना ये सारे घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं, कौन भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को बचाने में लगा है, कौन सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा। साथियों, टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है, झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बंगाल में दंगे आम बात हो गई है, आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है, टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर
बसा रहे हैं, सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। क्या मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका अधिकार आप किसी को छीनने देंगे? क्या ये बात आपको स्वीकार है? क्या आप होने देंगे क्या? साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, यही हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक बार फिर से बंगाल वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ गेस्ट का तमाम पैनल है, तो बता दें कि और पांच वे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में अब ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो घट रहा है, और ये भी चिंता की बात है, लेकिन जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं आईएनडीआई गठबंधन को लेकर कि ना तो आपके पास पीएम का चेहरा है, और ये गठबंधन कभी टूटता है कभी जुड़ता है, आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए। हमारे साथ जेडीयू के नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, मनोज दास जी का हम रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, इस गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन बता रहे थे कि ये कौन गठबंधन है कि ममता बनर्जी वहाँ पर खुद उनके खिलाफ लड़ रही है, बाहर कह रही है कि हम गठबंधन है। ये कौन सा गठबंधन है कि केजरीवाल जी दिल्ली में लड़ रहे हैं और पंजाब में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये कोई गठबंधन नहीं है, ये तो मात्र एक गठबंधन है, अपनी अपनी बातों को वहाँ सामने रख रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो स्पष्ट कहा कि बंगाल की पहचान क्या हो चुकी है, दिल्ली की पहचान क्या हो चुकी है, भ्रष्टाचार के मामले में कई मंत्री, इनके विधायक, सब सारे लोग जेल के अंदर हैं। तो ये कौन गठबंधन काम चलेगा? ये बात सही है कि आज जो मतदान हो रहा है उसमें प्रतिशत बहुत कम जा रहा है, इसको हम लोकतंत्र के लिए खतरा जरूर मानते हैं, लेकिन ये प्रतिशत केवल हमारे एनडीए के लिए ही नहीं है, दूसरे गठबंधन के लिए भी है। लेकिन प्रश्न है कि ना हमारे पास दुल्हा है, ना हमारे पास कोई दुल्हन है, और बाराती लेके हम पहुंच जा रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? इसकी अनुमान देश की जनता खुद लगाएगी। आप विश्वास रखें, टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, सारे लोग विश्वास रखें। आप पहले जनता की जो आवाज है, आवाज बनने का प्रयास करें। आपने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। आप कभी कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान कमजोर नहीं है, तो ये नहीं है, ये बताकर आप क्या करते हैं? हर भारतीयों को कमजोर करना चाहते हैं। ये सब इस बार आ रहा है, आप चिंता न करें। सर, ब्रेक पे मेरी पसंद नापसंद पे निर्भर नहीं करता है। जी, बात रखिए। मेरा समय कीमती है, अगर आपको ब्रेक पे जाना है तो बोलिए। सर बोलिए। सर, ब्रेक पे जाना मैं तय नहीं करूंगी ना सर, जब वक्त होगा तो जाना ही पड़ेगा, आपका समय कीमती, आप बात रखिए अपनी। जी, चार बड़ी बड़ी बातें हैं। हिंदुस्तान में हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, और यहाँ हर 100 किलोमीटर पे ना रंग और भाषा और खाने पीने का स्वाद बदलता रहता है। तो इस देश की ब्यूटी यही है कि यहाँ अनेकता में एकता है।
ये तमाम बंधु जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों के अटूट बहुमत के बावजूद वो चुनाव प्रचार में अभी भी वो वोट जिहाद की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। अगर कुछ किया होता, इस देश में युवा बेरोजगार है, 9 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार है। प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि वो सारी दुनिया हाथ में दही लेकर बैठती है और मुंह में दही लेकर बैठ जाते हैं। इस देश में बात करने आए थे किसानों की आय डबल करने का 2022 तक, आज किसानों की एमएसपी पे नरेंद्र मोदी चर्चा नहीं करते हैं। 700 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री मोदी के घर से 10 किलोमीटर दूर शहीद हो गए, इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। बात करते हैं वोट जिहाद, लोगों को कपड़ों से जानते पहचानते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात तो हर जगह करते थे नारी शक्ति की, ना नरेंद्र मोदी जी आज तक मणिपुर गए ये बताने के लिए कि नरेंद्र मणिपुर भारत का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी नारी शक्ति हिंदुस्तान का गौरव, वो बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान के आन बान शान को दुनिया में लहराया, उन पहलवान बेटियों के ऊपर जब दिल्ली में अन्याय हो रहा था तब भी नरेंद्र मोदी चुप थे। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज, और आप जो बार बार महाराष्ट्र के वोटिंग परसेंटेज का जिक्र कर रही है मैडम, महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम है कि महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी लोगों में एक अलग तरह की उदासीनता है। उन्हें लगा कि भाई लोकतंत्र में ये कौन सा नया खिलौना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, कभी विधायक चुराओ, कभी सांसद चुराओ, कभी सबको उठाकर आसाम ले जाकर सरकार बनाओ, ये चोरी की सरकार, कभी किसी का सिंबल चुरा लो, कभी किसी के पार्टी दफ्तर पे कब्जा कर लो, ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, ठीक है, राजधानी आह्वान कर रही है कि ये चोरी और ये बदलाव, ये जो पीछे पीछे पहले वोट की चोरी होती थी, आज विधायक और सांसद की चोरी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। तो ये इसलिए वहां के लोगों में उदासीनता है। अच्छा, ठीक है। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैडम, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है ना, ये बदलाव का प्रतीक है। अगर ये बदलाव का प्रतीक नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते तो उस पर बात करते। नरेंद्र मोदी जी ने वो जो 400 का सिलेंडर 1400 का उज्ज्वला योजना के नाम पे कर दिया, उसके नाम पे चुनाव लड़ते। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ कहना चाह रही है, जवाब भी देंगे आपकी बात का। शत्रुपा जी, देखिए ये लोग जब भी कुछ उठते आते हैं तब मणिपुर पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात थोड़ा पूछना था कि उन लोगों में चाहते क्या है, मणिपुर में प्रधानमंत्री का जनसभा देखना चाहते थे या कि मणिपुर का सोल्यूशन चाहते थे? क्योंकि हो गया है मणिपुर में डिसआर्ममेंट, अमित शाह जी ने इन हिज कैपेसिटी ऑफ होम मिनिस्टर और अजीत दोवल जी इन हिज कैपेसिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर मणिपुर सॉर्ट आउट करके आए हैं। तो अभी तो ये सब बोलने का कोई बात मुद्दे नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का ये जो मुद्दे उठाते हैं उसका भी सॉल्व हो गया है, प्रशासन खुद जाके सॉल्व करके जजमेंट भी हो गया, लेकिन उनको यही सब मुद्दे उठाना है। और बाकी रहा चर्चे का, ठीक है, प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के दौरे पे चर्चा तो नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ यही करेंगे कि हमने किया क्या है और हम क्या करने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री हमारा मैनिफेस्टो के द्वारा बताते हैं, हर रोज हर मीटिंग में बताते हैं। कांग्रेस को अगर ये 10 साल का भारत की उन्नति, भारत कहाँ थे, ये लोग कहाँ भारत को छोड़ के आए थे और हम भारत को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, वो अगर उन लोगों को दिखता नहीं है और शो में सिर्फ आप लोगों के साथ, हमारा तो छोड़िए, आप लोगों के साथ झगड़ा करना है, तो इन लोगों को हमारे शो पे आने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए, ना कि हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी को अक्यूज करें। होमवर्क करो, नहीं मिलता है तो हम दे देंगे, हमारा मैनिफेस्टो करके आइए जरा, तुम बेकार में झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, जो तुम कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए बड़ा अच्छा, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाता है, पता नहीं कौन सी बात पे कह रहे थे, वो उनको जानते होंगे। अभी 2 दिन पहले की घटना है, राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस प्रकार सीएम हाउस में बदतमीजी हुई, कांग्रेस के एक भी नेता के मुंह में हलक में जवान नहीं थी, सूख गए जवान उनकी, बोले नहीं एक बार भी कि राज्यसभा की सांसद साथ में गलत हुआ है। दूसरी बात,
जिस प्रकार की लद्दाख की बात कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सेना पर विश्वास है या नहीं है। ये वो पार्टी बोल रही है जिन्होंने चीन को इतनी बड़ी जमीन 1962 में दे दी। ये वो पार्टी बोल रही है जिसने 1960 में बेरुबारी दे दिया पाकिस्तान को। ये वो सरकार बोल रही है जिसने श्रीलंका को कच्चा तीवू दे दिया। ये वो पार्टी बोल रही है। अरे छास तो बोले बोले छल्ली भी बोल रही है, मतलब सोचते ही नहीं है। लद्दाख में जो आप वांगचो की बात कर रहे हैं, उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा था छठी अनुसूची में डालिए, वहां सेना का मुद्दा नहीं था, वहां पे लद्दाख की जमीन का मुद्दा नहीं था। आप सेना पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? आप तो वो लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर आप क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। सेना ने जाके सब जगह स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। थोड़ा सोच के बोलिए कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं। चीन के ऊपर बोलोगे तो आप ही फंसोगे, आपकी स्थिति खराब होगी। और दूसरी बात, रोजगार की आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ लोगों को, अरे पीएफ अकाउंट मनमोहन जी के टाइम में कितने थे, आज कितने हो गए नहीं पता है। जनसंख्या अगर उस समय थी मनमोहन जी के समय में 47.5% जनसंख्या वर्किंग जनसंख्या थी, आज 58% है। और हम और तरह के आंकड़ों में बात करें, आप हम बात करें कि हमारे पास जो इसमें रिजर्व है फॉरन रिजर्व वो कितने हैं, हमारे यूनिकॉर्न कितने हैं, हमारे तमाम तरह के प्रोडक्ट में आप देखिए किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है। क्या वो मशीनें बना रही हैं या ऊपर से आके जिन बना रहा है? अरे जनता ही बना रही, पब्लिक बना रही है। आप अगर रोजगार की बात करते हैं, आप 30 लाख रोजगार में 87 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे क्या? आप बता दीजिए, आपके 30 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा 65% युवा आबादी भारत की है, कैसे देंगे? चलिए हम मान लेते हैं 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, आप कितना देंगे आप बताइए? आपका मैनिफेस्टो क्लियर नहीं है। एक कह रहे हैं 30 लाख, एक कह रहे हैं 1 करोड़, एक कह रहे हैं हम 2 करोड़। केजरीवाल अपनी गारंटी लेकर आ रहे हैं, गारंटी में कह रहे हैं हम राज्यसभा को घर में बुला बुला के पिटवाएंगे। इन गारंटी में देश चलेगा क्या? शुभ्रांश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये लगातार उठ रहा है कि एक सीएमपी क्यों नहीं बनता है, जब गठबंधन है आप लोगों का एनडीआईए का, तो एक सीएमपी भी बनाया जाए, क्योंकि सबके अपने अलग अलग मैनिफेस्टो है, जनता कंफ्यूज हो रही है इसमें। क्या मेरे साथी मित्र बता पाएंगे कि एनडीए के अंदर जो 46 पार्टियां हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे काम कर रही हैं, सबका अलग अलग मैनिफेस्टो? बिल्कुल आपने सही कहा मान्यवर, कि सूक्त हंसे संगे संगे चलनियों हंसे, जिसमें 56 छेद। आप एक उंगली मेरी तरफ कर रहे हैं, 4 आपकी तरफ पड़ रहा है, ये आप जिक्र करना भूल जा रहे हैं। मैं बताता हूँ अपना मैनिफेस्टो। पहली बात यह है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी, हम अग्निवीर जो भाड़े का सैनिक नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था कार्यक्रम, इसको बंद करके पुराना मॉड्यूल बनाएंगे। एक दूसरा, कांग्रेस का राष्ट्रवाद का एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमने एक देश का भूगोल बदल दिया। आप तो सिर्फ बातें कर सकते हो, बिन बुलाए पाकिस्तान जाओगे, बिन बुलाए जाओगे गले मिलोगे बिरयानी खाओगे। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भूगोल बदल दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुभांशु जी, आप कैंप में पाए जाओगे चीन के, चीन से पैसा लोगे आप चीन के कैंप में पाओ जाओगे। जब तस्वीर आ जाएगी तब के हम नहीं थे, हम तो ऐसे चले गए थे। अरे पीएम साहब गए थे, प्रधानमंत्री गए थे, विदेश नीति निर्धारित करने का अधिकार है, जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी किस हक से गए थे चीन? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे जो चीन के कैंप में जाके बैठ के बात कर रहे थे? बताइए। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 5वें चरण का अंबान है। इस बीच देखिए, ये भी बता रहे थे कि रीता अंबानी क्या कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए। तो वोटों की अपील की है देशवासियों से, खासतौर से महाराष्ट्रवासियों से की है कि आप जल्द से जल्द बाहर निकलें और अपना मतदान करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।